प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में ऐलान किया कि 8 नवंबर की रात 12 बजे से 500 रुपए पुराने नोटों के लेन देन पर रोक लग जाएगी। उद्योग जगत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये बड़ा फैसला है। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने कई जगहों पर इन नोटों का प्रयोग जारी रखा। हालांकि कई बार सरकार ने अपने फैसलों को बदला, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी भी हुई। इसके बावजूद देश ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और यह जाहिर किया कि काले धन के खिलाफ हिंदुस्तान जाग उठा है। वहीं अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो नोटबंदी के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ऐसे गैर भाजपाई मुख्यमंत्री थे जिन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया। नीतीश की ये बात आरजेडी को नागवार गुजरी, क्योंकि एक तरफ जहां नीतीश खुलकर नोटबंदी का समर्थन करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। नोटबंदी के मुद्दे पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का स्टैंड बिल्कुल अलग नजर आया। हालांकि आरजेडी लगातार प्रदर्शन करती रही, जबकि नीतीश कुमार ने इससे दूरी बनाए रखी। 2016 में काले धन से आजादी की जंग जनता ने छेड़ दी और ये फैसला ऐतिहासिक फैसला साबित हुआ है। 8 नवंबर 2016 की तारीख इतिहास में दर्ज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश को आजाद हुए 70 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन भारत आज भी अपने हर नागरिक को दो वक्त की रोटी नहीं दे पा रहा है। भारत में हर साल करीब 70 लाख बच्चे भूख की वजह से मारे जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सच है। लेकिन अब उम्मीद जगी है कि अब ऐसा नहीं होगा। 1 नवंबर से भारत सरकार ने पूरे देश में फूड सिक्योरिटी एक्ट को लागू कर दिया है। ये एक्ट देश के हर नागरिक को भोजन का अधिकार देगा, हर गरीब को रोटी की गारंटी देगा। आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि फूड सिक्योरिटी एक्ट है क्या। सबसे खास बात यह है कि इस एक्ट से देश की दो तिहाई आबादी को सस्ता अनाज मिलने की उम्मीद है। इस एक्ट से फायदा मिलने वाले परिवारों को दो दर्जों में बांटा गया है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवार और सामान्य परिवार इस एक्ट के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चावल 3 रुपए प्रति किलो और गेहूं 2 रुपए प्रति किलो के भाव से दिए जाने की योजना है और ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज 1 रुपए प्रति किलो दिए जाएंगे। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को बाजार से कम कीमत पर अनाज दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों में प्रति व्यक्ति 5 किलो जबकि सामान्य परिवारों में प्रति व्यक्ति 4 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं, 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चों और बुजुर्गों को पका हुआ भोजन मुहैया करवाया जाएगा। साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं को महीने के 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। यह अच्छी पहल है जो समाज की स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट के बीसीसीआई में ढांचागत सुधारों को लेकर जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिशें मंजूर करने के साथ ही बिहार क्रिकेट को नया जीवन मिल गया है। 15 साल से बीसीसीआई के दायरे से बाहर चल रहा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अब दूसरे क्रिकेट संघ की तरह वोट डाल सकेगा और रणजी भी खेल सकेगा। दरअसल बिहार के क्रिकेटर अब तक पड़ोसी राज्यों के भरोसे थे, जहां उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन अब बिहार के क्रिकेटर रणजी खेल पाएंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीसीसीआई की मान्यता मिली है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब बिहार क्रिकेट एक बार फिर पटरी पर लौटेगा। अच्छी बात यह है कि बिहार के क्रिकेटरों को अब दूसरे राज्यों की तरफ नहीं जाना होगा। बीसीसीआई के सदस्य बनने के बाद अब हमें शेयर भी मिलेगा, इससे पटना का मोइनुल हक स्टेडियम भी बेहतर हो सकेगा।
बिहार में वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पूर्ण शराबबंदी की घोषणा और इसे लागू करने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने की खबर सुर्खियों में रही। विरोधियों ने तमाम सवाल खड़े किए, बावजूद इसके इस कानून को जन समर्थन मिला, लोगों की जिंदगी संवरी। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि देश के जितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या राज्य के राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवे हैं या नेशनल हाईवे हैं, उस पर शराब की कोई दुकान सड़क के 500 मीटर की दूरी तक नहीं खुलेगी। हमने तो पूरे बिहार में बंद कर दिया। शराब के भयावह सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर अक्सर चर्चा की जाती है, लेकिन संवैधानिक निर्देश के बावजूद सरकारें शराब पर अंकुश लगाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखा पाती। शराब व्यवसाय से जुड़े लोग भी पैसे के दम पर ऐसी किसी पहल को कुंद करने की जुगत में लगे रहते हैं और सरकारें शराब पर लगने वाले शुल्क से होने वाले राजस्व की कमाई की दुहाई भी देती रहती हैं। लेकिन जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी, तब कुछ समूहों ने बड़ी आलोचना की थी, लेकिन आज राज्य में शराबबंदी के सकारात्मक परिणामों को देखा जा सकता है। जैसे शराब सड़क हादसों का बड़ा कारण है, वैसे ही ये समाज और परिवार के अंदर भी हादसों की बड़ी वजह बनती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम फैसले देते हुए सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों में नेशनल हाईवे पर या उसके आसपास पड़ने वाली शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से जनता दरबार बंद किया है, तब से जनता से रूबरू होने के लिए वे एक यात्रा का वादा कर रहे थे। ये वादा साकार हुआ तब जब नीतीश कुमार ने निश्चय यात्रा की शुरुआत की। नीतीश ने पटना में इस यात्रा का ऐलान कर दिया। इस यात्रा के तहत उन्होंने जिला मुख्यालयों का दौरा करने का कार्यक्रम रखा। नीतीश इस यात्रा के दौरान हर जगह 7 निश्चय से जुड़े कामों का मुआयना कर रहे हैं और जनता की शिकायतों का निपटारा कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के लिए जिलों में 7 निश्चय से संबंधित कॉल सेंटर बनाए गए हैं। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश शराबबंदी और 7 निश्चय पर जनता से फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही जिलों में चेतना सभा भी कर रहे हैं। चरणबद्ध विकास की ये पहल बिहार को विकास की ओर ले जा रही है। नीतीश कुमार का मानना है कि केवल योजना बना लेने से कुछ नहीं होता, जब तक जमीन पर जाकर उसकी समीक्षा न की जाए। जाहिर है बिहार के लिए विकास की ये उम्मीद शुभ समाचार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कैशलेस झारखंड, कैश का कोई झंझट नहीं। कैशलेस राज्य की तरफ झारखंड ने एक और मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नगड़ी ब्लॉक से कैशलेस झारखंड अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सभी बैंकों के अपनी अपनी शाखाओं में कैंप लगाए जाने की जानकारी दी, जहां से खाताधारी उस बैंक का मोबाइल ऐप कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए डाउनलोड कर सकेंगे। बैंक कर्मचारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में सहायता करेंगे। इस अभियान से पंचायत सचिवालय के माध्यम से भी दूर दराज के गांवों में लोगों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से भी कैशलेस क्रांति से कदम मिलाकर चलने की अपील की, साथ ही 5,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स को वैट फ्री करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री रघुवर दास के मुताबिक कैशलेस होने से सूबे में भ्रष्टाचार रुकेगा, साथ ही विकास योजनाओं में बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। आपने देखा इस काला धन, कुशासन, भ्रष्टाचार किस तरह देश को खोखला किया, किस तरह पड़ोसी देश जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के माध्यम से 500 और 1,000 नोट लेकर पत्थर फेंकवाने का काम किया, और जिस दिन 8 नवंबर से इस रुपये पर रोक लगी, कोई जम्मू कश्मीर में अब पत्थर फेंकने का काम है। ये आतंकवाद, ये उग्रवाद जो आपके विकास पर काम को अवरुद्ध कर ले भी वसूलता था, इतने बड़े निर्णय से आतंकवाद का भी कमर 70 वर्ष से ये जो काला धन वाले, ये जो भ्रष्टाचारी, ये जो देश में
70 वर्ष से कुशासन चल रहा है, जिसके कारण भ्रष्टाचारियों और काला धन का दिनों दिन बढ़ोतरी हो रहा था, अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। इससे निपटने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया और कैशलेस इंडिया पर जोर। वित्त सचिव अमित खरे ने ऐलान किया कि एक महीने के भीतर सूबे के 25 ब्लॉक को कैशलेस बनाया जाएगा। पूरे झारखंड को कैशलेस बनाने का अभियान आज से शुरू हो रहा है। सभी जिलों में कम से कम एक ब्लॉक को इसी महीने कैशलेस कर दिया जाएगा। और कैशलेस के तीन अंग हैं, एक ग्राहक को जागरूक करना, यहाँ पर सभी लोगों को बुलाया गया है, बैंकों के कैंप लगे हैं कि ग्राहकों को बताया जाए कि किस तरह से मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग होगी। हालांकि कैशलेस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। नेटवर्क की जरूरत है, क्योंकि झारखंड के कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां पहुंचना भी मुश्किल है। ऐसे में इन इलाकों को कैशलेस करना आसान नहीं होगा। रांची से मनीष मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार झारखंड विकास के पथ पर चल रहा है, लोग बदल रहे हैं, उनकी सोच भी बदल रही है। शायद यही वजह रही कि इस साल कुछ ऐसी खबरें भी आई जिन्होंने हमें इंस्पायर किया। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही खबरें जो कि साल 2016 में हमें खूब सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देकर जा रही है। मोतिहारी के कोटवा प्रखंड स्थित मच्छरगावा की मुच्छर बस्ती में हर तरफ बदहाली दिखती है। इलाके के गरीब लोग मजदूरी कर पेट पालते हैं, बच्चों को शिक्षा देना उनके लिए समझ से परे की बात थी, लेकिन वहाँ के बच्चे अब पढ़ने लगे हैं। ये संभव हुआ है सुशील कुमार के प्रयासों से। एक साल पहले सुशील ने इस बस्ती के बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया। पहले यहाँ कम बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदले, अब 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं जो कुछ भी हूँ पढ़ाई लिखाई के बदौलत हूँ। मैं भी एक साधारण परिवार से था, पढ़ लिख कर मैंने जो भी किया अच्छा किया, तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ मन लगा के पढ़े, अच्छा करे, बिना एजुकेशन के आज कुछ भी संभव नहीं है। सुशील के प्रयासों से महादलित बस्ती के लोगों की सोच में बदलाव आया है। परिजन भी सुशील की सराहना करते नहीं थकते। नहीं पढ़ता है लेकिन बाल बच्चा के पढ़ाता है, बहुत आगे बढ़ाने के हम लोग सब कोशिश में है कि कैसे हम लोग के बाल बच्चा पढ़े या आगे बढ़े। ठीक बटे हमने के खुशी के बात बा, कॉपी किताब मिलता, लड़का सब पढ़ता, हमने सफा सुथरा कर हमने लड़का के भेज देता नहीं सब अच्छा से पढ़ा तारा सो। हाँ बताए खुशी के बात बा, लड़का सब के किताब उताब मिलता, लड़का सब हमने के पढ़ा तारा सो, हमने के बहुत खुशी बा। सुशील मच्छरगावा की तरह दूसरी मुसहर बस्तियों में भी शिक्षा का अलख जगाना चाहते हैं। नेक इरादे और निस्वार्थ भाव से वे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। बिहार के डॉक्टरों ने किया कमाल, मल प्रत्यारोपण का हुआ सफल प्रयोग। जी हाँ, सुनने में आपको अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन ये सच है। अब एलर्जी और डायरिया, कोलाइटिस डायरिया जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए खुशी की खबर है। बिहार के छपरा में डॉक्टरों ने कमाल कर दिया है। कई शहरों में इलाज कराने के बाद भी मर्ज कम नहीं हुआ, दर्द बढ़ता गया, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत लंग रही, मल प्रत्यारोपण हुआ और अब सब कुछ ठीक। इलाज दिल्ली कराए, कलकत्ता कराए, लखनऊ कराए, बनारस कराए, आज क्या हुआ? आज को आज हमारे सर अथी किए, फिकर पूरा अथी ट्रांसप्लांट किए हमको, तो तब से हम काफी राहत महसूस कर रहे हैं। बिहार में ये ऑपरेशन पहली बार सफल तरीके से हुआ है। कोलाइटिस से पीड़ित मरीज को नई तकनीक के जरिए उनकी पत्नी का मल प्रत्यारोपित किया गया और खर्च भी बहुत कम। ये तुरंत दवा के डोज घट जाती है, खून आना बंद हो जाता है, इन्फेक्शन कम हो जाता है, डायरिया कम हो जाता है।
कहते हैं कि चिकित्सक धरती पर भगवान का दूसरा रूप होता है और छपरा में आज डॉक्टरों ने इसे साकार भी कर दिया। मरीज भी खुश और सफल इलाज से डॉक्टर भी खुश। राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। एक वक्त था जब हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली नजर आती थी, लेकिन बीतते वक्त के साथ विकास की आड़ में मानो पेड़ों का अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है, जिसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। नतीजा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में सामने आ रहा है। ऐसे में पेड़ों पर पेंटिंग करती इन महिलाओं ने पर्यावरण को संरक्षित रखने का बीड़ा उठाया है। इन पेंटिंग्स को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग ही है। ये पेंटिंग न सिर्फ यहाँ की खूबसूरती बढ़ा रही है बल्कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने की प्रेरणा भी दे रही है। पेड़ पौधे की कटाई मतलब इससे हम लोग सुरक्षा मिल रहा है, इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं। इन पेड़ों पर मधुबनी पेंटिंग के जरिए कहीं राम सीता को दिखाया जा रहा है तो कहीं भगवान बुद्ध की आकृति को उकेरा गया है। भगवान की आकृति उकेरने का मकसद भी बड़ा दिलचस्प है। इन लोगों का मानना है कि इससे लोग पेड़ काटने से डरेंगे और पेड़ सुरक्षित रहेंगे। इन हरे भरे पेड़ों पर पेंटिंग के जरिए मिथिलांचल की संस्कृति को भी दर्शाया जा रहा है। इसकी शुरुआत मिथिला पेंटिंग का गढ़ कहे जाने वाले गाँव राठी राजनगर से की गई है, लेकिन अब ये यहीं तक सीमित नहीं बल्कि यहाँ से आगे निकलते हुए दूसरी जगहों पर भी उतनी ही पसंद की जा रही है। यहाँ तक कि विदेशों तक में डंका बजा चुकी है मिथिलांचल की ये पेंटिंग। ये पेड़ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जो भी यहाँ से गुजरता है इनके नजदीक जाने से खुद को रोक नहीं पाता, हो भी क्यों ना। इन पर जो पेंटिंग की गई है वो है ही इतनी खूबसूरत। ये पेंटिंग्स दिखने में जितनी खूबसूरत हैं उन पर खर्च भी उतना ही आता है। एक पेड़ पर चित्रकारी करने और इसे जानवरों और दूसरे खतरों से बचाने के लिए पेड़ के आकार के हिसाब से 2000 से 3000 रुपए का खर्च आता है। पेंटिंग लंबे वक्त तक टिकी रहे, मिट न जाए, इसके लिए ये लोग चूना, गोंद और सिंथेटिक पेंट का इस्तेमाल करती हैं ताकि ये कम से कम 3 साल तक चले। पर्यावरण को पेंटिंग के जरिए बचाने की इनकी ये कोशिश पिछले 5 सालों से जारी है। कई जगहें तो ऐसी हैं जहां शायद ही कोई ऐसा पेड़ हो जिस पर चित्रकारी ना की गई हो। मकसद सिर्फ एक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के प्रति जागरूक किया जा सके। हम तो यही कहेंगे पर्यावरण को बचाने की इनकी मुहिम जल्द रंग लाए और दूसरों में भी पर्यावरण के प्रति लगाव की भावना जगाए। मधुबनी से बिंदु भूषण ठाकुर। गरीबों का शोरूम, हर उम्र के लिए मुफ्त में कपड़े। शहरों में आपने अमीरों के लिए कपड़ों के शोरूम तो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको गरीबों के शोरूम में लेकर चलते हैं। जी हाँ, ये शोरूम उन लोगों के लिए है जो बेहद ही गरीब और असहाय हैं, और वो भी मुफ्त में। ये पहल की है शहर के लॉयंस क्लब के सदस्यों ने। शोरूम में हर उम्र दराज लोगों के लिए कपड़े मौजूद हैं। ये उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है कार्य है कि एक शोरूम के द्वारा गरीब को ससम्मान उसके जरूरत की चीज उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जो लायंस ग्रीन जो भी इनके पदधारी हैं सबको मैं साधुवाद देता हूँ। गरीबों के इस शोरूम में शहर के लोग भी मदद के हाथ बटा रहे हैं। घरों से नए पुराने कपड़े लाकर जमा कर रहे हैं ताकि ये कपड़े गरीबों को उपलब्ध हो सके। इस पहल के स्थानीय अधिकारियों ने भी प्रशंसा की है। बड़ों के साइज तक हमारे पास कपड़े उपलब्ध हैं और महिलाओं के लिए भी, फूलों के लिए भी खासतौर पर रख करके, और सारे शहरवासियों से हमें सहयोग मिल रहा है। कपड़ों का लगातार दान के रूप में हमें कपड़े उपलब्ध हो रहे हैं। कपड़े पाकर गरीब और असहाय लोग काफी खुश हैं। अच्छा लगा। आप पहले नीचे मिले? लॉयंस क्लब का ये प्रयास लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस कड़ाके की ठंड में गरीब भी कपड़े पाकर
सुकून महसूस कर रहे हैं। चंदन कश्यप, जी मीडिया, गढ़वा। इन हसीन वादियों को देखिए, यहां आकर किसे सुकून नहीं मिलेगा। इस सड़क को देखिए, क्या ये बॉलीवुड फिल्मों में दिखने वाली सड़कों से कम है। यहां की आबो हवा को महसूस कीजिए, ये किसकी आंखों को सुकून नहीं देती होगी। ये सब संभव हो सका है झारखंड सरकार की फिल्म नीति के तहत। सीएम रघुवर दास ने झारखंड में फिल्म नीति बनाई और यहां के स्थानीय कलाकारों को यही काम मिले इसके लिए फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया। रांची से सटे पतरातू में फिल्म सिटी का निर्माण शुरू हो गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको बुलाकर निर्देश दिया कि यह सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दिशा में काम करें। हमारे सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इस पर दिशा में काम करने के लिए किया और बेसिक चीज उन्होंने बताया कि किसी चीज के काम करने के लिए एक पॉलिसी का होना आवश्यक है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे प्रधान सचिव ने मात्र एक महीना के अंदर में इस पॉलिसी को लाकर कैबिनेट से पास कराकर दे दिया। ये एक माइल का पत्थर साबित हुआ और इसके लिए यहां की जनता माननीय मुख्यमंत्री के प्रति काफी आभार व्यक्त किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म सिटी के निर्माण में सबका सहयोग मिल रहा है। स्थानीय लोग इसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। देखिए, फिल्म सिटी शुरुआत होने जा रहा है, इससे हम लोग का लाभ ही लाभ है, पूरा लाभ है। इसे इधर हम लोग वोटिंग करते हैं तो वोटिंग में कुछ बर्ताव चेंज हो जाएगा और रोजगार में बढ़ोतरी हो जाएगा और जगह का आसपास का सुंदरीकरण भी होगा। पूरा डैम का पूरा किनारे किनारे सुंदरीकरण का ये हो गया है, पास हो गया है और पूरा सुंदरीकरण होगा। यहाँ से वहाँ टोली भी लगेगा टापू तक। फिल्म नीति के लागू होने और फिल्म सिटी के बन जाने से राज्य की आमदनी बढ़ेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इससे राज्य की कला और संस्कृति भी संरक्षित रहेगी। रश्मि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कितना खास रहा ये साल, कितना कुछ देकर जा रहा है ये साल। साल 2016 को हम इन शुभ समाचारों के लिए हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद करेंगे कि आने वाला साल यानी कि साल 2017 आपके लिए खूब सारी खुशखबरियां लेकर आए। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार। भाइयों बहनों, ये सफाई अभियान है, सफाई अभियान। आतंकवाद, ड्रग माफिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उनकी सारी दुनिया पल भर में तबाह करके रखती है।